हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश में आए दिन अलग अलग धर्म और जाति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए जाने की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। ताजा मामला अंबाला शहर के रेलवे रोड से सामने आया, जहां एक ढाबे पर भगवान वाल्मीकि जी की तस्वीर छपी डिस्पोजेबल प्लेट में खाना परोसा जा रहा था। आपको बता दें कि वाल्मीकि समाज के कुछ युवक एक ढाबे पर खाना खाने पहुंचे और जैसे ही ढाबा संचालक की ओर से भगवान वाल्मीकि जी की तस्वीर छपी डिस्पोजेबल प्लेट में युवकों को खाना परोसा तो युवकों ने इस बात पर आपत्ति जाहिर की। इसके बाद देखते ही देखते वाल्मीकि समाज के लोग दुकान पर इकट्ठा हो गए और दुकानदार से जाना कि आखिर वो ऐसी प्लेटें कहां से लाया था। अपनी धार्मिक भावनाओं को आहत होता देख वाल्मीकि समाज के लोग थाने पहुंचे और मामले की कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को शिकायत सौंपी। जानकारी देते हुए लोगों ने बताया कि भगवान वाल्मीकि जी की तस्वीर छपी प्लेट में खाना परोसे जाने का ये मामला सरासर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्लेटें किस नियत से छापी गई हैं, इस बात की भी गहनता से जांच होनी चाहिए। युवकों ने बताया कि इस घटना से पूरे वाल्मीकि समाज में रोष है। धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी वाल्मीकि समाज की शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। अम्बाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। पहले जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। भाई साहब, ऐसा है, रेलवे रोड पर एक परोठे की दुकान है। उस परोठे की दुकान पर हमारे कुछ लोग वहाँ पर गए। उन्होंने वहाँ पर मौके पर जाकर देखा कि हमारे भगवान वाल्मीकि महाराज जी की फ़ोटो एक डिस्पोजल प्लेट के ऊपर छपी हुई थी और जिसमें उनका निरादर हुआ। ये चीज़ को समाज ने उस चीज़ को देखा और उस चीज़ का रोष बड़ा तगड़ा समाज में हुआ और उसकी कंप्लेंट चौकी में दी गई है, 2 नंबर चौकी में। SHO साहब इसकी खुद इंक्वायरी कर रहे हैं, मौके पर पहुंचे हुए हैं। सारा समाज में रोष है और जिस तरह से वो डिस्पोजल प्लेट में उनकी फ़ोटो डाली गई है और उस प्लेट को उसके बाद यूज़ होने के बाद डस्टबिन में डाला जा रहा है, इसकी कोई गंभीरता से जाँच होनी चाहिए। हम महोदय अपने DCG से, महोदय से, SP साहब से निवेदन करते हैं कि इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। ये आपके सामने वो डिस्पोजल प्लेट है जिस पर हमारे भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा जो छपी हुई है और इस डिस्पोजल प्लेट के अंदर कोई चिकन खाए, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, हमें क्या पता जिसके अंदर क्या कुछ खा रहा है कोई, और इसको खाकर उस डस्टबिन की प्लेट में डाला जा रहा है, जिससे कि समाज में बहुत रोष है। मामला हुआ है आज, क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं? मामला यह था जी कि हमारे लड़के नानौज वाल्मीकि नगर के स्टेशन की तरफ गए थे परोठे खाने रात को, तो वहाँ पे कोई परोठे वाला है, राधे राधे नाम से दुकान है, उन्होंने परोठा मांगा तो उसने जिस प्लेट में परोठा सर्व करा उसमें वाल्मीकि महाराज जी की फ़ोटो लगी हुई थी। तो सारा समाज इस घटिया हरकत की निंदा करता है। इनका कहना है कि ये मैं आगे से लाया हूँ, उससे लाया हूँ, उससे लाया हूँ, तो बस हमारा यही सारे आज इकट्ठे हो गए, हमारा मोटिव यही है। यहाँ आगे सारा समाज यहाँ 2 नंबर चौकी में पहुँचा है, इसकी घटिया हरकत की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और SHO साहब यहाँ राम कुमार जी पहुँच चुके हैं। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। कंप्लेंट दे दी गई है समस्त वाल्मीकि समाज की तरफ से कंप्लेंट दे दी गई है और जो भी जिससे भी ये लाया है, जो भी जिसने भी ये घटिया हरकत करी है वो समाज में आपसी भाईचारा खराब करने के लिए करी है या उसने अपने किसी और हीन भावना से करी है, उसकी पुलिस जांच कर लेगी। मैं रामदास जी, सन ऑफ श्री शुगनचंद जी, हमें इतला मिली कि राधे राधे जो शॉप है परौठे की, ये स्टेशन के पास जाए अंदर बढ़ते हैं ना तो सज्जे पास से दुकान है, अगर हम कपड़ा मार्केट से जाते हैं तो वो लोग जो हैं इसमें परौठे की बिक्री कर रहा था जिसमें लहसुन प्याज या जूठा परौठा भी रहता है और जूठन के बाद अपने हाथ नैपकिन से धोकर पोंछ कर इसको उठाकर कचरे की टीन में दुकानदार फेंक देता है। फिर हमें जब पता लगा, हम दोबारा गए, एक फ़ोटो हमारे पास आ गई थी पहली, एक हमारा बच्चा ले आया था जो 17-18 साल का था, उसके बाद फिर हम गए, जब भी उसने परौंठे पाए हुए थे मैंने परौंठे चक के तवे पे घेर दिए और ये फ़ोटो ले आया और उसको कहा भी ये फ़ोटो कहाँ से गया, बांसा वाले चौक से जाए, हम बांसा वाले चौक में आए, उससे पहले हमारे कुछ लोगों ने टेलीफोन जरिए वहाँ कंप्लेंट लिखा दी थी। चार नंबर का एरिया नहीं था ये, जो था ये रेलवे रोड पे जो 2 नंबर है इसका था। फिर हम सारी बिरादरी वहीं इकट्ठे हो गए। हाँ जी, वाल्मीकि समाज के कुछ लोग आए थे, उन्होंने दरखास्त दी है कि यहाँ रेलवे रोड पे रेलवे स्टेशन के पास एक दुकान पे
प्लेट है जो डिस्पोजेबल प्लेट, उसमें महर्षि वाल्मीकि जी की फोटो लगी हुई है कि उसका वो गलती यूज कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन दे दी है, उस पर जो भी बनेगी कार्रवाई कर दी जाएगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।